नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मैं हूं सोहन शर्मा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पाव भाजी, बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट टेस्टी चटपटी बम्बई स्टाइल, बिल्कुल स्ट्रीट फूड जो कि आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए, बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेके आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सोहन शर्मा और आप देख रहे हैं सोहन शर्मा किचन किंग। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन का बटन ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये तो मैंने सब्जियां ली हैं, ये मैंने आलू लिए हैं 1 किलो जो बॉयल करने हैं, हमें बॉयल आलू चाहिए। ये मैंने मटर लिए है, ये फ्रीजर किए हुए मटर, मैंने घर में फ्रीजर किए हैं नहीं। ये गार्लिक है और ये हरी मिर्च है, अदरक के 2 टुकड़े हैं, ये 200 ग्राम पत्ता गोभी है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं। फूल गोभी भी ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं। गाजर लिए मैंने 200 ग्राम, शिमला मिर्च 1 पीस, प्याज मैंने लिए 500 ग्राम और हरे प्याज मैंने लिए है 50 ग्राम। तो मैंने इनमें से हरी मिर्ची को बारीक काट लिया, अदरक को बारीक काट लिया, लहसुन को मैंने बारीक कूट लिया और प्याज को मैंने बारीक, बिल्कुल बारीक टुकड़ों में, देखिए बिल्कुल बारीक टुकड़ों में मैंने प्याज को काट लिया है। तो चलिए हम एक फ्राई पैन चढ़ाते हैं। ये मैंने पतीला चढ़ाया है, इसमें मैंने घी डाला है 100 ग्राम। तो आप सोचोगे यार घी में बना रहे, तो आप एक बार तेल में भी बना सकते हो, लेकिन जरूर ट्राई कीजिए एक बार। ये जैसे हमारा घी गर्म हो जाता है, मैंने अदरक हरी मिर्ची लहसुन और प्याज इसके अंदर डाल दिया है। मैंने घी 100 ग्राम लिया है इसके तड़के के लिए, आप तेल भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें बटर भी डलेगा, तो पाव भाजी का मतलब बटर तो बिल्कुल ही डलेगा ही डलेगा। तो ये इस प्याज को मैं हल्का ब्राउन कर लेता हूँ, तो चलिए प्याज को मैं होने देता हूँ। जब तक मैंने 1 किलो टमाटर है वो मैं पीस लेता हूँ। तो आप कहोगे यार ये तो टमाटर भी पीस रहे, तो इन टमाटर को मैं पीस के तैयार कर लेता हूँ। 1 किलो टमाटर है, तो देखिए हमें कलर नहीं खाना है, कलर हमें पसंद नहीं है। तो टमाटर को मैंने पीस के रख लिया है, तो ये गाजर को मैंने बारीक काट लिया है और पत्ता गोभी बारीक काट लिया, फूलगोभी को बारीक काट लिया। इसको मैं कुकर में डाल के और 1/2 टीस्पून नमक डाल के और 200 ग्राम पानी डाल के इसके मैं 2 सीटी ले लेता हूँ, गैस पे चढ़ा देता हूँ गैस ऑन करके। तो तब तक के लिए जो बाकी सब्जियां बची हैं उनकी तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने देखिए ये मटर है, मैं घर में फ्रीजर करता हूँ, ये मैंने 50 ग्राम मटर फ्रीजर कर रखे है ये देखिए। और प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, शिमला मिर्च को बारीक काट लिया है, हरा धनिया को धो के बारीक काट लिया है, आलू को मैंने बॉयल करके छील लिया, 1 किलो आलू है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सब्जियाँ जो भी आप लो पहले बहुत अच्छे से उसे वॉश कर लो। तो ये देखिए हमारे प्याज बिल्कुल बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं। तो चलिए हमारे पास जो 1 किलो टमाटर पीसे हुए हैं वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। हमें टमाटर कटे हुए नहीं लेने हैं, हमें कलर पसंद नहीं है, हमें कलर भी नहीं, हम किसी तरीके का कलर भी नहीं डालेंगे। लेकिन इस पाव भाजी का जो कलर आएगा बिल्कुल नेचुरल कलर, आपको मैं बताऊंगा एंड तक, आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को। ये मैंने इसके अंदर पाव भाजी मसाला डाल दिया है, मतलब 6 बड़े टेबल स्पून पाव भाजी मसाला डाला है मैंने, और ये मैंने नमक डाल दिया, आप नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं। मैंने 2 बड़े टेबल स्पून नमक डाला है, मैं ये 15 जनों के हिसाब से पाव भाजी बना रहा हूँ। ये मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है, जो देगी मिर्च है ये काफ़ी लाल होती है और तीखी भी कम होती है, तो ये 1 बड़े टेबल स्पून मैंने लाल मिर्ची इसके अंदर डाल दी है। तो आप मिर्ची कम खाना चाहते हो तो आप कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ढक के रख दिया, इसे 5 मिनट के लिए रख देता हूँ ढक के, फिर इसे मैं 5 मिनट के बाद चेक करता हूँ। देखिए 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल बॉईल जैसी हो गई है, मतलब ये टमाटर पकने के जैसे हो गए हैं, बिल्कुल ऊपर थोड़ा थोड़ा घी भी आ गया है इसके ऊपर। तो अब जो हमारे पास जो कटी हुई सब्जियां थी, ये मटर 50 ग्राम जो मैंने फ्रीजर किए हुए लिए हैं, अभी मटर का सीज़न तो है नहीं, वैसे सीज़न होता है तो हम फ्रेश मटर लेते हैं, और ये शिमला मिर्ची बिल्कुल चौकोर पीस में कटी हुई मैंने इसके अंदर डाल दी, और अब ये हरे प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिए, थोड़े से मैंने डेकोरेशन के लिए रख लिए। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा हिला देते हैं, ये बहुत बढ़िया और बहुत शानदार कलर आता है। इस टमाटर हम पीस के डालते हैं इस वजह से, और ये मैंने 150 ग्राम करीबन पानी डाला है इसके अंदर, थोड़ा ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो गई थी, इसको अभी तक बहुत पकाना है, तो वापस ढक लगा के छोड़ देते हैं हम 5 मिनट के लिए, जब तक हम देख लेते हैं हमारे जो वेजिटेबल्स जो पत्ता गोभी फूल गोभी गाजर चढ़ाई हुई थी वो उबल के तैयार है, ये बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे हम अलग रख देते हैं और चेक करते हैं हमारी
इस सब्जी को, तो ये जो हमने बारीक सब्जियां काटी थी ये भी पक चुकी है, तो अब हम जो उबली हुई सब्जियां हैं हमारे पास वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो इसका कलर जो है इतना नेचुरल आएगा, हम कोई तरह का कलर नहीं डालेंगे इसके अंदर, इसके बावजूद भी इतना बढ़िया कलर आएगा इसका, एकदम आपको बिल्कुल बाजार जैसी लगेगी। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। जो हमारे पास जो आलू थे वो भी हम इसके अंदर हाथ की मदद से चूर लेते हैं, सारे आलू इसी तरीके से चूर के हम इसके अंदर डाल देते हैं। सारे आलू डाल दिए मैंने इसके अंदर, इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं। गैस हमारा फुल फ्लेम पे ऑन है। ये मत कह देना तूने ये नहीं बोला कि गैस ऑन करो, गैस को पतीला चढ़ाते ही ऑन कर लेना है। गैस हमारा फुल फ्लेम पे ऑन है अभी। तो ये आलू को मैंने मिला लिए, अब मैं इसके अंदर बटर डालूंगा, 100 ग्राम करीब बटर। आप देखो भाई, आप अगर कम लेना चाहो तो कम भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर बटर नहीं खाना चाहते तो आप ना भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन पाव भाजी जिसको खानी है वो तो थोड़ा बहुत बटर तो खाएगा ही खाएगा। तो चलिए इसको मैं पटेटो मेसर से अच्छे से मैश कर देता हूँ। ये देखिए मैं पटेटो मेसर से इसे अच्छे से मैश कर रहा हूँ, इसको फुल अच्छी तरीके से मैश कर देनी है, इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से मैश कर देनी है। मैंने पूरी तरीके से इसे मैश कर लिया है। तो अब देखो जैसे ही ये 2 मिनट 1 मिनट के बाद ये ऐसे इसमें बूंदे सी निकलने लग गई, तो पूरी ये पक चुकी है, आलू सब्जियां सब गर्म होके एक मतलब बॉइलिंग होगी ये। तो इसको मैं अच्छे से मिला देता हूँ, ये पूरी तरीके से देखो कैसे मैश हुई है। तो चलिए अब मैं इसको 3 मिनट के लिए रख देता हूँ, और फिर लो फ्लेम पे रखिए मैंने 3 मिनट के लिए। और फिर 3 मिनट बाद मैं जब इसको चेक करता हूँ तो देखिए अभी ये भाजी बनकर पूरी तरीके से तैयार है परोसने के लिए। हम कोई तवे पे नहीं करेंगे, आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बटर डाल के प्याज डालिए, तवे पे ऐसे ऐसे कर लीजिए और परोस दीजिए। देखिए इसके साथ हरी मिर्ची, नींबू, बटर, प्याज, अदरक मैंने काट के रख दिए टेबल पर परोसने के लिए। देखिए क्या शानदार कलर आया है हमारी भाजी का, बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट बनती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी बहुत आपको पसंद आएगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बनाते रहिए, खाते रहिए और बताते रहिए।